तो कार्तिक को वरदानों का महीना माना जाता है। जानकारों की माने तो कुछ खास उपाय करके सुखद जीवन का वरदान भी आप हासिल कर सकते हैं। कार्तिक में तुलसी पूजन का अद्भुत महत्व है, आप भी जानिए इसके बारे में। कार्तिक यानी पुण्य फल की प्राप्ति के लिए सबसे पावन और उत्तम महीना, देव कृपा से परिपूर्ण कार्तिक का शुभ महीना शुरू हो गया है। इस पूरे माह श्री हरि और माँ लक्ष्मी समेत सभी देवी देवताओं की विशेष कृपा बनी रहेगी। कार्तिक में दीपदान के साथ साथ स्नान का जितना महत्व है, उतना ही भगवान विष्णु के प्रिय तुलसी पूजन का भी। तुलसी पूजन यह विधान है कि सुबह प्रातः काल स्नान करके धूप दीप नैवेद्य से माता का पूजा करें, उनको लाल चुनरी या लाल वस्त्र पहनाकर साड़ी पहनाकर उनको दुल्हन जैसा सजाएं, सिंदूर पहनाकर उनका विधिवत पूजन करने से आपके जीवन में अनेक प्रकार के जो कुमंगन है, जो दुष्प्रभाव है, जो दुर्योग है, वो दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है, जीवन प्रसन्नताओं से भर जाता है। कहा जाता है कि इस मास के अंदर तुलसी के रूप में, वृंदा के रूप में लक्ष्मी निवास करती है, तो जो व्यक्ति भी तुलसी का सेवन करता है उसको कोई रोग नहीं आता है। क्योंकि वैसे भी अगर वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो सर्दियां प्रायः कार्तिक माह से प्रारंभ हो जाती हैं। इस माह में तुलसी का सेवन किसी भी प्रकार के रोग से बचाने में, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए फायदेमंद है। कार्तिक में शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। तो कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन का विधान क्या है, गौर से समझिए। क्या है तुलसी पूजा का विधान? तुलसी का पौधा किसी भी बृहस्पतिवार को लगा सकते हैं, हालांकि कार्तिक का महीना इसके लिए सर्वोत्तम है। कार्तिक के महीने में तुलसी के पौधे की पूजा और तुलसी विवाह सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देता है। तुलसी का पौधा घर या आंगन के बीचों बीच लगाना चाहिए या अपने शयन कक्ष के पास की बालकनी में। प्रातः काल तुलसी के पौधे में जल डालकर इसकी परिक्रमा करनी चाहिए। नियमित रूप से सायंकाल इसके नीचे घी का दीपक जलाना सर्वोत्तम होता है। तो आप भी श्री हरि के प्रिय कार्तिक मास में महालाभ के लिए करें तुलसी पूजन। शुभ फलदायी इस दिव्य महीने में पूरी होंगी आपकी मनोकामना।